सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रणय और आप लोग देख रहे हो लव डेविल गेमिंग। और बाल बच्चे कैसे हैं। सो ये कहानी है 20,000 साल पुरानी, जब किंग ओडिन और डार्क लॉर्ड दुनिया पे कब्जा करने का सोच रहे थे। और हालांकि सब लोग को पता था कि किंग ओडिन जो कि ओवर वर्ल्ड में कब्जा कर रहे थे, और जो डार्क लॉर्ड थे वो अंडरग्राउंड अपना बेस बना रहे थे। वो सोच रहे थे कि सारी दुनिया में वो कब्जा करेंगे। लेकिन उस वक्त दो भाई और थे जो साथ में रहते थे, जिसमें से एक था इंटेलिजेंट गाय और एक था नुबड़ा जी। लेकिन वही था कि किंग ओडिन को सारी दुनिया में कब्जा करना था। लेकिन किंग ओडिन को ये नहीं पता था कि एंड पोर्टल के रास्ते को खोलते कैसे हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही बंदा था जिसको पता था, और वो था डार्क लॉर्ड। तो डार्क लॉर्ड ने यही किया कि उसने सारी दुनिया को कब्जा करने के लिए शुरू कर दिया एंड सिटी से। लेकिन 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 आपको ये पता नहीं होगा कि नुबड़ा जी और उसका भाई जो थे वो लोग एंड सिटी में रहते थे, इसलिए नुबड़ा जी के सर पे एंडरमैन का टोपी है, वो भी पावर के साथ, जो नुबड़ा जी को कंट्रोल करने नहीं आता लेकिन वो यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ था इंटेलिजेंट गाय, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि वो विजिट को आराम से हरा सके। लेकिन उनमें से वे की थी कि उनके पास पावर नहीं था, इसलिए वो अपने भाई पे एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि वो एक बंदे को स्मार्ट बना दे और एक बंदा बहुत पावरफुल हो जाए, जिससे वो सारे दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सॉल्व कर सके। लेकिन बिकॉज एंड सिटी में सबसे ज़्यादा पावर होती थी, इसलिए भोगालाला और होलालाला जो कि डार्क लॉर्ड के लिए काम करते थे, उन्होंने एंड सिटी में हमला किया ताकि वो पावर ले और वो किंग ओडिन को मजा चखा सके। इसलिए नुबड़ा जी और इंटेलिजेंट गाय उन लोग हिमलैंड्स में ढूंढते रहते हैं कि कौन उन्हें हेल्प करेगा। लेकिन ढूंढते वक्त ही वो विजार्ड इंटेलिजेंट गाय को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो किंग ओडिन के नीचे काम करने वाला वही एक बंदा था जो कि पेड़ असासिन बन के काम कर रहा था। फिर तो नुबड़ा जी भी अकेला पड़ गया था और सैड हो गया था। सोचा कि क्या करूँ, मैं अभी तो अकेला हो गया हूँ। लेकिन उसने यही सोचा कि पहले मैं ढूंढूंगा कि कोई तो मुझे हेल्प करेगा और फिर मैं उसे बोलूँगा कि मुझे मेरे भाई को मिला दो। इसलिए नुबड़ा जी भी स्मार्टी भाई जी को हमेशा बचाते रहते थे कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, क्योंकि वही थे जो बहुत पावरफुल थे और बहुत ही स्मार्ट थे। और स्मार्टी पाई ने भी इनडायरेक्टली नुबड़ा जी के भाई को, इंटेलिजेंट गाय को, विजार्ड के ट्रैप से बचा लिया। लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ कि एसजीओ के चालाक माइंड से नुबड़ा जी को भी और इंटेलिजेंट गाय को भी अपने साइड कर लेते हैं, ये बोल के कि ये हिमलैंड्स उनका है। स्मार्टी पाई ने दोस्ती में धोखा दे के लिया है, और इसलिए स्मार्टी पाई जी एवरी टाइम अकेले पड़ जाते हैं, बट हमेशा वन मैन आर्मी रहते हैं। थैंक यू सो मच, ये वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग और हंसते रहो।